हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मेरे ढोल सिपाहियां जो है ISPR सॉन्ग का रिएक्शन। एंड बहुत टाइम से हो गया हमने को ऐसे ISPR और साथ में आर्मी का सॉन्ग नहीं किया, तो इनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है हमारे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे आई हुई थी, तो हमने सोचा इसका क्यों ना रिएक्ट किया जाए। और जो हमने पहले सुना है जैसे यार यारों से होना जुदा, वो अभी तक मेरा फेवरेट है, बिकॉज वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। जिस तरीके से उसको पूरा डिपिक्शन किया गया था ना, वो बहुत बढ़िया था। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 6 मिनट का सॉन्ग है, तो इसमें सॉन्ग भी होगा पर एक बैक स्टोरी भी होगी, तो वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख ली है ना, लिटरली सिर्फ ये नहीं है कि लाइक हमारे को अपने हमारे कंट्री के आर्मी के लिए, सोल्जर्स के लिए बेसिकली रिस्पेक्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इतनी सारी वीडियोस को देखने के बाद हमारे को दूसरी कंट्रीज़ के सोल्जर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई है। और उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वो देखा था टेररिस्ट अटैक वगैरह की कैसे हुआ था, ब्लैक डे सेलिब्रेट करते उसको, तो लाइक उससे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और बहुत कुछ हमें जानने के लिए भी मिला कि यार कितना, मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली फिट होते हैं, वो इवन मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो लाइक हमेशा जब भी हम जितना इनको देखते हैं मतलब ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ से दिल नहीं भरना, तो लिटरली हमारा ऐसे वीडियोज़ को देख कर, गानों को सुनकर कभी दिल नहीं भरता। और जितना हम ज़्यादा देखते हैं उतनी हमारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये चीज़ मुझे पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि वहाँ पे ऐसे ISPR के सॉन्ग्स निकलते हैं और कहीं ना कहीं आर्मी के सॉन्ग्स निकलते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो देखते हैं फिर ये कैसे होगा, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गार्डन है, यार एक प्रॉपर हस्बैंड वाइफ की स्टोरी दिखाई है। क्यूट। हाँ, अब उसमें मेरे को ये कि दुखद ना हो। प्यार बनकर बह जाऊं, हाँ हर लम्हा तुझे चाहूं, जिंदगी हो तुम मेरी, तुमको कैसे समझाऊं, मंजिल है मेरी वतन का, मैं हूं निगहबान, मुश्किल जो आए तो हाजिर करूं अपनी जान, मेरे ढोल से पाऊं। अनएक्सपेक्टेड था, सीरियसली लड़की गा बहुत सुंदर। वाह, सही में गूंजे लौटी है ठिकाने, गूंजे उनके तराने, तब आएगा तू मेरे सुने सपने सजाने। वाह, से सजा दूं सारी धरती का आंगन, ये है मेरे नजराने, तेरे दिल विच माया सावा बन के मैं बसा, तैनू रब दिया रखा, ओ मेरे ढोल से पाया तैनू रब दिया रखा, तैनू रब दिया रखा, सरिये झुकने न पाए, मेरी जीत पे हमेशा सोने रब के हो साए। ये सारे ये सॉन्ग वाइफ के लिए है। दूर हो किनारे तेरी दुआ के सहारे, तू भी एक सैक्रिफाइस करती है। सही में ना, प्यारा गाना है ये। अरे मुझे पता था वो सैड आएगा यार, क्यों लाना है, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। बट यही उन लोगों की लाइफ होती है, कुछ भी हो सकता है।
अरे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी, और लास्ट में जब उस सोल्जर की डेथ हो रही थी और उसके सामने उसकी फैमिली आ रही थी, उसके बच्चे आ रहे थे, सबसे ज़्यादा सैड पार्ट वही था। लिटरली मेरे पूरे बॉडी में गोज बम्स आ गए थे। मैं ऐसी थी कि यार क्या ज़िंदगी होती है उनकी। और मुझे ऐसे लगता है ना, ऐसी वीडियोज़ आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ना, मतलब ऐसा होता था पहले, आर्मी ऑफिसर्स जब अपनी कहानियाँ सुनाते थे ना, तो लोग उनको इतना सीरियसली नहीं लेते थे। ठीक है, जब से लाइक मूवीज़ आने लगी उन पर, है ना, और ये सॉन्ग्स आने लगे, तब उनको, लोगों को एक्चुअली पता लगा कि यार वो, उनको कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और उनको बेसिकली कितना कुछ झेलना पड़ता है। और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं अपनी, मतलब कंट्री को सर्व करता है, उसकी पूरी फैमिली कंट्री के लिए सर्व करती है। मतलब सोचो कि उसकी बीवी, उसके मतलब उसकी बीवी के ऊपर ही सब कुछ होता है, कि लाइक उसके बच्चों की ग्रूमिंग करना, है ना, सब कुछ उसकी बीवी के ऊपर हो जाता है। और मुझे वो चीज़ देखकर ना बहुत ज़्यादा सैड पार्ट लगता है, कि लास्ट में बस एक वो होप होती है कि नहीं, घर आएंगे, घर आएंगे, घर आएंगे, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कुछ, उनका सिर्फ फिर वो ही आता है, कि उनकी सिर्फ लाश ही घर आती है। तो वो सबसे बहुत ही कहते ना अलग ही चीज़ होती है, और हम इसको कभी समझ भी नहीं सकते। लिटरली सिर्फ एक, मुझे ऐसे लगता है सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर ही स्ट्रांग नहीं होता है, सिर्फ वो ही मतलब कुछ अलग मिट्टी के नहीं बनाते, उनके पूरे घर वाले सीरियसली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, और वो ना अलग ही मिट्टी से बने होते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि हम लोगों को जितना से ज़्यादा, जितना हो हमें कम से कम ये चीज़ें कहते हैं ना कम करनी चाहिए, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, क्योंकि यार इसमें ना बहुत लोगों की जान जाती है। वही एक्चुअली देखा जाए तो वो किस तरीके से टेररिस्ट से लड़ते हैं, उनकी ये हालत होगी। एंड बाकी देखा जाए तो लाइक ये सॉन्ग जैसे जब स्टार्ट हुआ था, मैंने बोला था कि लाइक इतना प्यारे तरीके से दिखाया जा रहा है, पर मेरे को यही है कि एंड इसका बुरा ही करता है फिर। लेकिन जैसे इन्होंने सॉन्ग चेंज किया, तो वहाँ कैसे वो पूरा, वो जो लेडी
गा रही थी ना, वो इतना ब्यूटीफुल गा रही थी, जैसे उसका वो आ रहा था ना मेरे ढोल सिपाहियां, और जब वो मेन लाइन गा रही थी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था उनके साथ, फिर वो उनकी भी वॉइस बहुत अच्छी मैच कर रही थी। एंड ये सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग बना था कि इस तरीके से लाइक एक डेडिकेशन था कि भाई जो फीमेल्स उनके घर पर रुकती हैं तो वो भी कितनी पीछे से मेहनत ही करती है, और वो एक तरह से अपना वॉर में ही होती है, हर चीज़ को संभालना और अपने पति से इतना दूर रहना और पता नहीं होना कि वो कब आएंगे कैसे आएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो भी उनको उतना डेडिकेट कर रही है दोनों के दोनों, बहुत अच्छे तरीके से एक प्यारा दिखाया जा रहा है। पर वहीं पे फिर वो टेररिस्ट अटैक दिखाया जाता है और किस तरीके से लाइक वो सब बिछड़ जाता है और सब चीज़ें जो सब नॉर्मल चल रही होती है वो सब अलग हो जाता है, एंड फिर वो सॉन्ग का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो ढोल सिपाही जो था वो इस तरीके से अब तुम्हारा मतलब ऐसे नहीं रहा, तुम्हारे साथ नहीं रहा, तो उसका पूरा मीनिंग चेंज होता है और वो बहुत दुखद हो गया था, लेकिन बहुत सैड एंडिंग के साथ खत्म हुआ। पर ये था कि एक रियल मैसेज के साथ हुआ कि ऐसा होता है लोगों के साथ, और ये आप देखो और आप समझो, आपको उसकी अहमियत समझ आनी चाहिए आर्मी मैन की, और ये लोगों के लिए था। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।